पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाए। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो, आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8-9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र